आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घी, जो मिनटों में बन जाता है। आप ज़रूर बनाकर देखिए। देसी घी बनाने के लिए मैं रोज़ जो दूध आता है घर में, उसी में से मैंने मलाई निकालकर, ये मलाई निकालकर एक कंटेनर में रख दी थी रेफ्रिजरेटर में, और ये 10 दिन हो गए ये मलाई को जमी हुई। अब मैं जब आपको बनाना होगा उसके एक दिन पहले रात में, अगर आप सुबह में बनाने वाले होगे तो रात में ये डब्बा आप बाहर निकाल कर रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे, फिर वो पिघल जाने का, तब वो घी जल्दी से बन जाएगा। घी बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी मलाई हम मिक्सर के जार में डालेंगे। मिक्सर के जार में मैंने मलाई डाल दिया है। अब मैं उसमें ठंडा पानी डालूंगी, ये फ्रिज का ठंडा पानी है। मिक्सर के जार में ठंडा पानी डालने के बाद हमें ग्राइंड करके लेंगे इसे। ये मैंने 5 सेकंड के लिए मिक्सर में डाल दिया था, मिक्सर चालू कर दिया था। अब ये देखिए आप, इसके ऊपर ये मक्खन जमा हो गया है। अब मैं इसे एक पतीले में निकालूंगी जिसमें हमें घी बनाना है, मैं उसी पतीले में निकालूंगी। ये चम्मच की मदद से निकाल रही हूँ। अगर आप इसे फ्रिज में निकालते साथ, वैसे ही अगर मिक्सर में लगाएंगे तो जल्दी बनेगा नहीं, इसलिए एक दिन पहले निकालने के बाद ये जल्दी से हो जाता है मिक्सर में डालते साथ। अब इसी तरह बाकी भी मैं मलाई मिक्सर में डालकर पूरी मक्खन निकालूंगी। ये मैंने पूरी मलाई फेंट कर ये निकाल ली है मक्खन। ये मुझे बनाने के सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप अगर उसको डायरेक्ट मलाई को ही डायरेक्ट अगर कढ़ाई में डालकर अगर ये गर्म करेंगे तो उस, लेकिन बहुत टाइम जाता है, ये मिक्सर में जल्दी से हो जाती है। ये मक्खन अब मैं गर्म करने लगूंगी, पहले मैं इस पर वॉश कर लूँगी ठंडा पानी डाल के अच्छी तरह से, और फिर उसको मैं, ये मैंने गैस पर रख दिया है वॉश करके मक्खन। अभी इसे पहले दो तीन सेकंड के लिए मैं इसे गर्म हाई फ्लेम पे रखूंगी पूरा मेल्ट होने तक, फिर से धीमी आंच पर अच्छे से पकाना है। ये मेल्ट हो गई है, या वैसे मेल्ट हो गई। अब मैं इसे एकदम स्लो फ्लेम पे रखूंगी और इसे अच्छी तरह से पकने दूंगी जब तक ये घी नहीं बन जाता। अगर आप मलाई डायरेक्ट पकाते होगे तो उसको बहुत टाइम जाएगा, और उसे कंटिन्यू हिला, जब तक घी नहीं बनता तब तक उसे हिलाते ही रहना पड़ता है। अगर आप इस तरह से करेंगे इसमें मेहनत भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। घी जब तैयार हो जाएगा तब उसमें से आवाज़ आने लगेगी, कड़कड़ने की आवाज़ आने लगेगी, तब समझ लें घी रेडी हो गया है हमारा। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी ताकि वो सब नीचे बैठ जाए और घी साफ हो जाए। ये हमारा घी रेडी है। अब मैं उसे छान लूँगी और एक कंटेनर में डाल दूँगी छान कर, और इसे आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं इसे रूम टेम्परेचर पे। और ये जो बच गया है इसे खवा ही है, इसे आप गाजर के हलवे में, दूधी के हलवे में भी यूज़ कर सकते हैं, या आप निकाल कर एक छोटे डब्बे में भी रख सकते हैं, ऐसा आप किस काय में भी मीठी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं इसे। ये देखिए ये एक डब्बे का कितना देसी घी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।